दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं नए वीडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको अपने वीडियो में पार्ट टाइम, फ्रीलांस, वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बताता हूं, और इस नए वीडियो में भी मैं आपको इसी की जानकारी दूंगा। और एक नए वेबसाइट के बारे में आज हम बात करेंगे, जिस पर आप रजिस्टर करके ऑनलाइन पार्ट टाइम, फ्रीलांस या वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस जॉब से न केवल आपको फायदा होता है बल्कि देश को भी आर्थिक मदद मिलती है, क्योंकि जो काम आप करते हैं उसका पेमेंट या तो डॉलर या पाउंड्स में आता है, जिससे देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और आपको काम करने का तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस और साथ ही आर्थिक लाभ यानी कि मॉनेटरी गेन होता है। तो मेरी तो सलाह है कि हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन जॉब करना चाहिए, चाहे आप हाउसवाइफ हों, अनएम्प्लॉयड पर्सन हों, एम्प्लॉयड पर्सन हों, स्टूडेंट्स हों या फिर रिटायर्ड पर्सन हों, हर किसी को अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने आप को किसी न किसी मार्केट प्लेस पे जाके रजिस्टर करके अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए, वहाँ काम उठाना चाहिए और उस काम को करके अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम करना चाहिए। दोस्तों, आज जिस वेबसाइट का हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है peoplesperart.com। हाँ दोस्तों, peoplesperart.com यह एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर हर तरह का काम अवेलेबल है। आप इस पे जाकर अपने स्किल और एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन के अनुसार काम उठा सकते हैं, कर सकते हैं और अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और काम उठाने के लिए आपको किसी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो मेरी सलाह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और देखकर इस पर रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लें। दोस्तों, इस वेबसाइट पे जो पेमेंट है वो स्क्रो सिस्टम के थ्रू आती है। स्क्रो सिस्टम में पेमेंट क्लाइंट के पास से आके होल्ड में रहता है और जब एक बार क्लाइंट काम को कंप्लीट मान के क्लियरेंस दे देता है, यानी कि जब दोनों पार्टी मान लेती हैं कि काम क्लियर हो गया, तो पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है। इससे दोनों ही पार्टी, क्लाइंट तथा फ्रीलांस वर्कर, दोनों का पेमेंट सिक्योर रहता है और इसकी मॉनिटरिंग जो है खुद वेबसाइट करती है। peoplesperart.com हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करता है। इससे वो अपने क्लाइंट और अपने फ्रीलांस वर्कर दोनों को ही फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाता है। इसका जो कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट है वो आपके किसी तरह के प्रॉब्लम को और इश्यूज को स्विफ्टली एंड प्रॉम्प्टली सॉल्व करता है और आपकी मदद करता है काम को कंप्लीट करवाने में। दोस्तों, peoplesperart.com एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है, अतः इस पे अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रीलांस वर्क करने वाले लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं। इस पे 15 लाख से ऊपर लोग जो हैं एज अ फ्रीलांसर अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं, जो कि 7.5 लाख छोटे बड़े बिजनेसों को अपनी सर्विसेज देते हैं। यह वेबसाइट अब तक 10 करोड़ पाउंड से ऊपर पैसे अपने फ्रीलांसर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। तो ये बताता है कि इस वेबसाइट की जो पहुंच है या जो लोगों की इस पर ट्रस्ट है वो कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां हमारे कुलीग मिस्टर नितिन, जो कि इसके एक्सपर्ट हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप इस पे रजिस्ट्रेशन करना, प्रोजेक्ट बिड करना, निगोशिएट करना और अपने अकाउंट को लिंक करना बताएंगे, ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं और इसका लाभ उठा सकें। तो ओवर टू नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मैं नितिन हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि peoplesperart.com पर कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। हम अपने क्रोम ब्राउजर पे आ गए हैं। अब एड्रेस बार में हम टाइप करेंगे peoplesperart और फिर एंटर मार दीजिएगा। ये peoplesperart की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ नंबर्स यहाँ दिए गए हैं, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे करीब
7.5 लाख बिजनेस जो है रजिस्टर्ड है जो कि आपको फ्रीलांस जॉब देते हैं, और वहीं पे 15 लाख फ्रीलांसर्स भी इसके अंदर ऐड है जो कि यहाँ से काम उठा के अर्निंग करते हैं, अपनी पार्ट टाइम अर्निंग करते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम अर्निंग करते हैं और अपने घर बैठे आराम से ऑनलाइन काम करते हैं। और यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे करीब यहाँ पर इस वेबसाइट से फ्रीलांसर्स ने अभी तक करीब 10 करोड़ पाउंड जो है कमा चुके हैं यहाँ पे सारे फ्रीलांसर्स मिलके। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, 1 पाउंड की जो कीमत है वो इंडियन रुपीस में करीब अभी की डेट में 90 रुपये के आसपास है। तो आप इस वेबसाइट से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो थोड़ा हम और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसकी देखते हैं कि यहाँ पे पॉपुलर कैटेगरीज क्या क्या है जहाँ पे आप काम करके पैसा अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लॉग राइट कर सकते हैं, ब्लॉग राइट है पॉपुलर कैटेगरी में, और फ्रेंच ट्रांसलेशन है, स्टोरी रिटेन है, करेक्टर एनिमेशन है, वीडियो एडिटिंग करके आप यहाँ पे बहुत अच्छा, और यहाँ पे फोटोज, फिल्म एडिटिंग, बहुत सारे काम यहाँ पे कैटेगरीज, विजुअल बेसिक डेवलपर, तो आप विजुअल एनिमेशन, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी कैटेगरी जो है इन कैटेगरी में आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ आपको कि इसमें कैसे आप प्रोफाइल बनाएंगे। यहाँ पर भी कुछ कैटेगरीज दी गई हैं डेटा एंट्री की, और यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज दी गई हैं जहाँ से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं इन कैटेगरीज में। आप यहाँ कैटेगरीज देख सकते हैं, और अब हम चलते हैं और कैसे प्रोफाइल इसके अंदर बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक साइनअप का मेन्यू है, इस साइनअप के मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ आपके नेक्स्ट पेज आपका ऐसा होगा जहाँ पे आपसे यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे फ्रीलांसर्स हायर करना है या आपको फ्रीलांस वर्क करना है। तो हम यहाँ पे फ्रीलांस वर्क करने पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ हमारे पास साइनअप के लिए भी 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि आप फेसबुक से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप अपनी ईमेल के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हम अपने ईमेल के थ्रू लॉगिन करेंगे। हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, ये मेरे कलीग हैं उनका मैं प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ये डमी प्रोफाइल है। आप अपनी सारी जो है रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालेंगे, ईमेल डाल देते हैं। यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है आपने, और पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। यहाँ अपना सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पे साइनअप का बटन है, आप इस साइनअप के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको साइनअप के बटन पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको ये एक पॉपअप खुला हुआ मिलेगा जहाँ पे वो अपनी जो मेल आपको वेरीफाई करनी है, आप इसकी अपनी मेल आईडी पे जो आपने मेल आईडी दी है आप उस पे जाके अपने इसकी मेल को वेरीफाई कर दीजिए कि आपने ही ये अकाउंट क्रिएट किया है। तो मैं अभी कर देता हूँ क्रिएट, एक्टिवेट कर देता हूँ अपनी ईमेल को, वेरिफिकेशन ईमेल को। यहाँ पे जो है मैंने अपनी मेल जो है वेरीफाई कर ली है, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। तो हम यहाँ पे अब चलते हैं, यहाँ पे हमारे बारे में कुछ पूछ रहा है तो हम इस पर यहाँ पे एडिट का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो एक नीचे फ्लिप खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है कि आपकी जॉब टाइटल क्या होगी, तो हम यहाँ पे अपना जॉब टाइटल देंगे, आजू डेवॉप्स इंजीनियर, ये मैंने अपना प्रोफाइल डाल दिया है। अब यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर मांग रहा है तो आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे यहाँ पे फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आपसे पर आवर का आपका रेट पूछ रहा है तो आप अपना यहाँ पे जो डॉलर में है आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे पाउंड में, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पाउंड और यूएसडी का भी ऑप्शन है, तो आप अपना यहाँ पे डॉलर में भी रख सकते हैं या पाउंड में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पाउंड में ही रहने देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपसे एक कवर इमेज मांग रहा है और आपसे एक प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है, तो हम यहाँ पे कवर पिक्चर अभी नहीं डालेंगे, हम इस पर हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दी है। अब यहाँ पे अबाउट यू, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब योर पास्ट एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू मीन स्ट्रेंथ एंड व्हाई समवन शुड चूज यू ओवर समवन ईच सिमिलर स्किल सेट। तो अब यहाँ पे अपने बारे में यहाँ पे कुछ डालेंगे,
और अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, तो हम यहाँ पे वो फिल कर देते हैं। यहाँ मैंने डमी टेक्स्ट ऑलरेडी, मतलब डमी टेक्स्ट नहीं, एक डमी प्रोफाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। आप अपनी सारी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कीजिएगा। यहाँ मैंने अबाउट में डाल दिया है, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, उसका कोई लिंक है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर कोई इमेज है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आप जो एक बार देख लीजिए, आपने सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर दी हैं, उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब दूसरा जो सेक्शन है वो खुलता है, वो खुलता है सेलेक्ट योर स्किल्स। तो आप यहाँ पर अपने स्किल्स बताएंगे, तो पहले उसमें आप अपने जो स्किल्स बताएंगे यहाँ पे, आप अपने यहाँ पे स्किल्स डालेंगे जो कि मैक्सिमम 3 स्किल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं अपने स्किल्स यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मैंने अपना पहला स्किल्स यहाँ पे डाल दिया है और दूसरा स्किल मैं डालता हूँ, यहाँ मैंने अपना दूसरा स्किल भी डाल दिया है और अब तीसरा स्किल यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मैंने तीसरा स्किल डाल दिया है। अब यहाँ पे लिस्ट अदर स्किल्स जो है हम यहाँ पे वो फिल कर देते हैं कि हमारी अदर और स्किल्स क्या क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, हम दूसरा स्किल डालते हैं, ये हमने दूसरा स्किल डाल दिया है, अब हम तीसरा स्किल डालते हैं, हम एक और स्किल डाल देते हैं यहाँ पे। तो आपको जितना भी आपका जो स्किल है वो आप यहाँ पे सब कुछ जो है साफ साफ मेंशन कर दीजिए, जिससे कि आपको काम मिलने में आसानी हो। ठीक है, हमने यहाँ पे अपने स्किल्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हमें लैंग्वेज डालनी है, जैसे कि आप तो एक मस्ट जो है ऑनलाइन काम मिलने के लिए इंग्लिश, ठीक, और आप अपनी एक और लैंग्वेज चुन सकते हैं इंग्लिश के साथ साथ जो कॉमन है, हिंदी। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको थोड़ी इंडस्ट्री जो है अपनी यहाँ पे सर्च करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लिए। इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपसे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो अपने स्किल्स और अपने वो बताई है उससे रिलेटेड, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट, CV, कंप्लीट कोर्स का सर्टिफिकेट वगैरह जो है, आप यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको बाद में करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ऑफ फील्ड जो है आपको एटलीस्ट एक फील्ड जो है अपनी यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो हम इसको ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद अपना जो CV है, CV यहाँ पे हम अपना अटैच कर देंगे। अटैच CV अटैच करने के बाद हम ब्राउज पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब जो हमारा तीसरा सेक्शन है वहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आप अपना रेफरेंस जो है कनेक्ट कीजिए। आप अपना लिंक्डइन अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास कोई अदर वेबसाइट है, आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है या पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या आपका कोई ब्लॉग है। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यू हैव एंटर कनेक्ट सोशल अकाउंट, आपको एक जो है सोशल डालना ही होगा। तो मैं अभी एक यहाँ पे जो एक लिंक जो है वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ अपनी प्रोफाइल का। यहाँ पे अपना एक मैंने जो मेरा एक ब्लॉग है उसका मैंने URL डाल दिया है, और अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, जहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आप रिमोटली वर्क काम करने पे, आप रिमोटली वर्क काम करते हो या आप जो हमारा क्लाइंट है उसकी साइट पे भी आप जा सकते हो। अगर आप उसकी साइट पे जा सकते हो तो आपके क्लाइंट जो है उनका एरिया क्या होगा, आप कितने किलोमीटर तक यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, या आप रिमोटली काम करना चाहते हो। रिमोटली का मतलब है कि आप ऑनलाइन ही काम करना चाहते हो, क्लाइंट के पास नहीं जाना चाहते हो। तो आपको जैसा ही सुविधा लगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर क्लाइंट के पास जाने में कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पे रिमोटली सेलेक्ट कर लीजिए, और आप यहाँ पे अपना एरिया दे दीजिए कि आप कितने किलोमीटर के अंदर आपके क्लाइंट को सर्विस आप दे सकते हैं, या आप ऑनलाइन ही अपने घर से काम करना चाहते हैं तो यहाँ रिमोटली वर्क ऑनली पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, वो उस पर आप क्लिक करके आगे चाहिए। तो आपसे आगे पूछता है पर्सनलाइज योर एप्लीकेशन।
तो यहाँ पे पर्सनलाइज योर एप्लीकेशन में हमें अपने बारे में ही सब कुछ बताना होगा। यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे लास्ट में सबमिट का एक बटन है और हम ये भी इसको क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास यू ऑलमोस्ट देयर, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे $13 देके एक ही वर्किंग डे में अपना जो प्रोफाइल है रिव्यू करा लीजिए, या तो आप 7 दिन तक क्या नाम है अप्रॉक्सीमेटली आपको वेट करना पड़ेगा या आपका अकाउंट रिव्यू करके आपको आपके मेल पे नोटिफाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे 7 डे वर्किंग वाला करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी हो तो आप पेमेंट करके भी अपना अपना प्रोफाइल जो है रिव्यू करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर लिया है और अब जो आपका प्रोफाइल जो होगा वो अंडर रिव्यू चला जाएगा, जो कि 7 वर्किंग डेज तक क्या नाम है 7 वर्किंग डेज के बीच में आपका अकाउंट जो रिव्यू करके आपको मेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे टॉप कॉर्नर पे, तो आपका यहाँ पे वो क्लिक करने के बाद एक फ्लैप खुलेगा। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आप प्रोफाइल पे आइएगा, आप देखेंगे कि आपका जो पीपल पर आर पे जो है आपका राहुल सिंह के नाम से जो आप राहुल सिंह आपका नाम और जो आपकी जॉब की टाइटल थी उसके नाम से आपका एक प्रोफाइल जो है यहाँ पे बन गया है, जहाँ पे आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपके स्किल्स क्या हैं, इनसाइड बायर यहाँ पे अभी 0 है। जैसे जैसे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी वैसे वैसे आपका जो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती जाएंगी, जैसे जैसे प्रोफाइल आपके में आपके जॉब्स जुड़ती जाएंगी तो आपके काम जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो हमने आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करा दिया है। अब इसकी आगे की जानकारी जो है हम हमारा जो प्रोफाइल रिव्यू होने के बाद और उसके बाद हम वीडियो और भी बनाएंगे जिससे कि आपको ये पता चले कि इसके अंदर हम बिडिंग कैसे करते हैं, जो आपको जॉब कैसे पाते हैं, कैसे बिड करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं जॉब मतलब काम पाने के लिए, पार्ट टाइम काम पाने के लिए। तो हम उसके लिए एक अलग से आप वीडियो बनाएंगे जब हमारा अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अब इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करना और अपना प्रोफाइल बनाना आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्यों पसंद आया। और अगर आपको कुछ प्रश्न हैं या कोई आपकी क्वेरी है तो वो भी आप लिख के भेजें, हम आपको वीडियो के द्वारा उसका जवाब बताएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और बेल आइकन जब दबाएंगे तो एक ऑल का ड्रॉप आउट आएगा, उसमें ऑल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो मिल सके। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आप हमें अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके।